अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टिरप्स। ठीक है, सर्कुलर कॉलम का जो हम स्टिरप्स निकालते हैं उसकी लेंथ हमें किस तरह निकालेंगे, हमें कैसे मालूम पड़ेगा उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लें। एक मैंने सर्कुलर डायग्राम बनाई है सर्कुलर कॉलम की। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने जो क्लियर कवर दिया है कॉलम और स्टिरप के बीच में जो है वो हमारा जो क्लियर कवर जो है वो क्या है, कॉलम का जो क्लियर कवर है वो 40 mm है। ठीक है, ये हमारा देखें आप सर्कुलर स्टिरप ये मैंने शो किया हुआ है। ठीक है, और देखें ये मैंने एक हिडन लाइन से मैंने इसका सेंटर बनाया हुआ है। ठीक है, स्टिरप का सेंटर बनाया हुआ है। ठीक है, हमारा जो कॉलम है उसका जो डाया है वो 900 mm है। ठीक है, तो इसका रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, 450 mm। ठीक है, जो हम स्टिरप रॉड जो यूज़ कर रहे हैं उसका डाया हमारा 8 mm का है। ठीक है, अच्छा, ये लेंथ हमें पता चल गई, रेडियस क्या है 450। ठीक है, अच्छा, सर्कल के अंदर जो सर्कल होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब हमें ये लेंथ मालूम करनी है कि ये लेंथ हम कैसे मालूम करेंगे। देखें जो स्टिरप है उसके सेंटर से लेके और सर्कल के सेंटर तक, ये हमें अभी इसका रेडियस निकालना है जो हमारा रेडियस यूज़ होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में। ठीक है, देखें क्लियर कवर मेरे पास क्या है, 40 mm। ठीक है, मैंने 40 mm लिया है। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, अच्छा, और देखें स्टिरप का जो डाया है वो 8 है। ठीक है, 40 और इस सेंटर तक जो स्टिरप का जो डाया है उस तक जाने के लिए मेरे को प्लस 4 और ऐड करना पड़ेगा, मतलब यानी क्या हो गया, 40 + 44, तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा 40 + 4 = 44। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। डायग्राम आपसे इसको एक दफ़ा फिर वीडियो को रिवर्स करके आप दोबारा समझ लीजिएगा जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, ये हमारे पास इसके दो हुक्स हैं। ठीक है, दो हुक्स हैं हमारे पास स्टिरप के और इसमें दो बैंड हैं, देखें एक इधर से और एक इधर से, दो बैंड हैं हमारे पास। ये डायग्राम थी हमारे पास। ठीक है, ये हमारा रेडियस है सर्कल का, उसके पास हमने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का रेडियस निकाला है। ठीक है, ये स्टिरप था हमारे पास, स्टिरप के सेंटर से लेके और सर्कल के सेंटर ऑफ सर्कल तक। ठीक है, 40 हमारे पास क्लियर कवर था और स्टिरप की जो हमारा डाया था वो 8 था, सेंटर तक प्लस 4 हो गया, 40 + 4 = 44 हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, अब आ जाएँ इस तरफ। अच्छा, मेरे को अब रेडियस निकालना है। ठीक है, अच्छा, 450 हमारा डाया था जैसे मैंने आपको बताया है सर्कल का। ठीक है, उसके बाद 40 जो था हमारे पास, 40 हमारे पास क्लियर कवर था और जो हमारे पास 4 था वो सेंटर ऑफ स्टिरप था। ठीक है, यानी कि हम इन दोनों को अगर ऐड करके भी लिख दें, 40 + 4 = 44 और 450 में से माइनस करेंगे फिर भी 406 आएगा। अगर हम इसको अलग से लिख लें, देखें जैसे मैंने इधर पहुंचना है 450। ठीक है, ये टोटल 450 है। ठीक है, इसमें से मैं क्या चीज़ माइनस करूँगा, 406 आएगा, एक तो क्लियर कवर और माइनस 4 जो हमारा डाया है स्टिरप का, उसका सेंटर क्या है 4। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 406 mm। ठीक है, अच्छा, कटिंग लेंथ ऑफ स्टिरप कैसे निकालनी है सर्कल की, हमारे को पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, वो मैंने लिख दिया प्लस, इसमें और क्या क्या लेंथ मेरे पास ऐड हो रही है, देखें इसमें मेरे पास दो हुक्स हैं। ठीक है, अच्छा, मिनिमम जो हुक की हम लेंथ लेते हैं वो हम लेते हैं 75 mm। ठीक है, या तो फिर हम 10D लेते हैं, 10D लेते हैं, 75 mm लेते हैं या फिर 10D लेते हैं। ठीक है, डाया हमारे पास क्या है स्टिरप रॉड का, 8। ठीक है, 10 × इधर 8 आ जाएगा डाया के साथ। ठीक है, अच्छा, दो हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो हमारे पास हुक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये लेंथ हमने ऐड की। ठीक है, और बैंड हमेशा हम माइनस करते हैं क्योंकि वो लेंथ जो है हमारी डिक्रीज हो रही होती है बैंड में। ठीक है, दो बैंड है हमारे पास, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। ठीक है, मिनिमम बैंड जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, 2D, एक बैंड के लिए हम लेते हैं 2D, तो हमारे पास दो हैं, 2 × 2D। ठीक है, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास सिंपली मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, कैलकुलेट करके मेरे पास आया 2677.68 mm, इसको मीटर में कर दूंगा, 2.68 meters। ठीक है, तो ये हमारे पास कटिंग लेंथ आ गई सर्कुलर स्टिरप की। ठीक है, ये देख लें, अगर जो भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं।